एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोनल सिलेक्शन के बारे में, और ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स प्रोसीड। मेक श्योर इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इफ यू विश आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्लोनल सिलेक्शन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के बारे में बात की थी, लाइक इडियोटाइप, एलोटाइप एंड आइसोटाइप के बारे में। अभी थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, क्योंकि हम क्लोनल सिलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा अबाउट दी लिम्फोसाइट, जो कि हम ऑलरेडी टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो बी सेल का हमारे पास दो फंक्शन जानने को हमें मिला था। एक ये था कि बी सेल जब भी एंटीजन को इनकाउंटर करेगा, वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा, और प्लाज्मा सेल आगे चल के क्या करेंगी, वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, यानी सॉल्युबल एंटीबॉडीज बनाएंगी। मेक श्योर बी सेल दो टाइप की एंटीबॉडीज बना सकते हैं, एक है मेम्ब्रेन बाउंड और एक है सॉल्युबल टाइप या सिक्रीटेड टाइप। जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, दैट इज BCR, और जो सॉल्युबल होते हैं वो सिक्रीटेड या सॉल्युबल एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। जो सिक्रेटेड एंटीबॉडीज या सॉल्युबल एंटीबॉडीज होते हैं वो कैपेबल होते हैं एंटीजन से बाइंड करके होस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करवाने में। सिक्रेटेड एंटीबॉडीज के पास भी एंटीजन से बाइंड करने के साइट्स अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइट जैसे कि रिसेप्टर के पास अवेलेबल होते हैं। और ये जो मैंने लाइन कही कि जैसा बी सेल के रिसेप्टर के पास जो बी सेल के जो रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी होती है, वही स्पेसिफिसिटी सिक्रेटेड एंटीबॉडीज की भी होती है, अगर वो सेम बी सेल जो है आगे चल के प्लाज्मा सेल में जनरेट हुआ है। तो इन्हीं बातों को आज हम क्लोनल सिलेक्शन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं आइडिया है तो मैं बस एक छोटी सी लाइन में एंटीबॉडीज को डिफाइन करना चाहूंगी। एंटीबॉडी एक ऐसी क्लास ऑफ प्रोटीन है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से जानी जाती है, और जब ये सिक्रीट हो जाती है बॉडी के अंदर तो इसका मेन काम होता है होस्ट को पैथोजन से बचाना, क्योंकि अगर होस्ट पैथोजन को अटैक कर रहा है तो सीधी सी बात है वो उसे किसी ना किसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट देगा। उसी हार्मफुल इफेक्ट से काम होता है एंटीबॉडीज का, कि वो होस्ट को जो है उन एंटीजन के अटैक से बचाएं। और साथ ही साथ ये जो इन्वेडर्स होते हैं, जैसे कि हो गया वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन सब से जो है एंटीबॉडीज होस्ट के सिस्टम को बचाने का काम करती हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज क्लोनल सिलेक्शन, एंड फॉर क्लोनल सिलेक्शन हमने ये सारी बातें फ्लैशबैक में क्यों कही, क्योंकि अगर क्लोनल सिलेक्शन समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि बी सेल या बी लिम्फोसाइट क्या है और उनका मेन फंक्शन कैसे होता है। इसके अलावा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है। मेक श्योर इन सभी टॉपिक पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है इम्यूनोलॉजी के, आप देख सकते हैं। अगर मैं क्लोनल सिलेक्शन की बात करती हूँ तो क्लोनल सिलेक्शन जो है, सबसे पहले लेट मी टेल यू, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है, मतलब कि हमारे पैदा होने के बाद देन वी यूज टू गेन, बिकॉज ये जो है लिम्फोसाइट को इन्वॉल्व करता है। क्लोनल सिलेक्शन में ज्यादातर हम बी लिम्फोसाइट्स के साथ डील करते हैं, लेकिन आप क्लोनल सिलेक्शन टी लिम्फोसाइट्स में भी देख सकते हैं, बट बी लिम्फोसाइट मेजॉरिटी तरीके से शो करते हैं। मेक श्योर बी लिम्फोसाइट जो है क्लोनल सिलेक्शन को इंडिविजुअल तरीके से भी देख सकते हैं, यानी बी सेल अलोन भी क्लोनल सिलेक्शन करवा सकता है, या फिर बी सेल प्लस अलोंग विथ टी एस सेल, दैट इज टी हेल्पर सेल के साथ जो है ये मिलकर क्लोनल सिलेक्शन करवा सकता है। यानी अगर बी सेल अकेले एंटीजन को इनकाउंटर कर रहा है, चांसेस हैं कि वो अकेला ही क्लोनल सिलेक्शन करवाएगा, और अगर बी सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रहा है तो फॉर श्योर वहां पे टी एस सेल का इन्वॉल्वमेंट है और उसकी मदद से क्लोनल सिलेक्शन होगा। ये है एक बेसिक आइडिया, एक तरीके से आप कह सकते हो आउटलाइन रिगार्डिंग द क्लोनल सिलेक्शन। अब क्योंकि हम आउटलाइन दे रहे हैं क्लोनल सिलेक्शन का, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्लोनल सिलेक्शन। तो होता क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ बी सेल में से एक टाइप ऑफ बी सेल को सेलेक्ट किया जाता है, और इस सिलेक्शन में मदद करते हैं एंटीजन। जब उस बी सेल को सेलेक्ट किया जाता है तो उसके और भी क्लोन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो एंटीजन ने एंट्री ली है वो सिर्फ एक एंटीजन ने एंट्री नहीं ली है, मल्टीपल एंटीजन्स ने एंट्री ली है, इसीलिए हमें उनके खिलाफ जो है मल्टीपल बी सेल भी चाहिए होते हैं। लेकिन वो मल्टीपल बी सेल के पास सेम स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, तभी वो उन
एक जैसे एंटीजन को अटैक कर पाता है। इसी प्रोसेस को हम क्लोनल सेलेक्शन कहते हैं। जिस बी सेल को सेलेक्ट किया जाता है उसी के क्लोन को आगे एक्सपैंड किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द क्लोनल सेलेक्शन। चलिए डिटेल में जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेते हैं, ऑब्वियसली इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होंगे बोन्स, राइट। और बोन में क्या प्रेजेंट हो सकता है, बोन में प्रेजेंट हो सकता है बोन मैरो। ये चीज ऑलरेडी डील करवाई जा चुकी है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वेदर दे आर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, वो जनरेट होते हैं बोन मैरो में। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाकर मेच्योर होते हैं। इन सब चीजों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो बोन, ये रहा बोन, लाइक इंडिविजुअल हमने लिया, उसमें प्रेजेंट है बोन, बोन में प्रेजेंट है बोन मैरो, और बोन मैरो में प्रेजेंट है स्टेम सेल्स। उन स्टेम सेल में से जो एक टाइप होगा वो क्या करेगा, वो प्रीकर्सर प्रीकर्सर बी सेल बनाएगा, राइट। ये जो प्रीकर्सर बी सेल होंगे ये क्या करेंगे, ये आप कह सकते हो कि एक ऐसा इनिशिएटर सेल बनते हैं जो आगे चल के पॉपुलेशन ऑफ बी सेल को बनाने का काम करते हैं। तो इसके बाद ये क्या करेंगे, दे विल जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉटर बी सेल। वैसे तो डिफरेंट टाइप में जनरेट होंगे, यहाँ पे मैं तीन टाइप आपको शो कर दे रही हूँ अलग अलग कलर से, सो दैट यू विल गेट अ आइडिया। ये जो है बी सेल हमने बना दिया, मेक श्योर इन सब बी सेल का ओरिजिन जो है एक होता है, दैट इज प्रीकर्सर बी सेल से ये फॉर्म होते हैं, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। व्हाट डज दैट मीन, देखिए ये जो बी सेल है इसके पास जो बी सी आर प्रेजेंट होगा, जिसे हम बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर बी सी आर, वो एक डिफरेंट एंटीजन के लिए होगा। उसके बाद जो सेकेंड बी सेल है इसके पास जो बी सी आर होगा वो डिफरेंट एंटीजन के लिए होगा। सेम गोज विद द थर्ड बी सेल, इसके पास जो यहां पर बी सी आर होगा वो डिफरेंट एंटीजन के लिए होगा। ओके तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इनके पास जो बी सी आर होंगे दे विल बी हैविंग अ डिफरेंट स्पेसिफिसिटी फॉर द पैथोजन, मतलब इन सबके एक जैसी स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। हो सकता है जो रेड कलर वाला बी सेल है वो किसी और एंटीजन से बाइंड करे, ब्लू वाला किसी और से, पर्पल वाला किसी और से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सब बी सी आर की स्पेसिफिसिटी अलग अलग होती है, भले ये एक ओरिजिन से आए हैं, लेकिन जो ये प्रोटीन जो ये रिसेप्टर एक्सप्रेस करते हैं अपने सर्फेस पे, सबकी स्पेसिफिसिटी अलग होती है। अब ये स्पेसिफिसिटी अलग होने का रीजन क्या है, द रीजन इज जीन रीअरेंजमेंट। जीन रीअरेंजमेंट के कारण देखा जाता है कि इनके जो एंटीबॉडीज, जो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होते हैं, ये जो बी सी आर है ये क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। ये भी एंटीबॉडीज ही हैं लेकिन मेम्ब्रेन पे बाउंड फॉर्म में हैं। तो इन सबकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती है ड्यू टू दी जीन रीअरेंजमेंट। और ये एक ऐसे बी सेल हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी एंटीजन को इनकाउंटर नहीं किया है, इसीलिए हम इन्हें नाइव बी सेल का नाम देते हैं। ओके अब बात करते हैं कि ये जो बी सेल हैं, ऑब्वियसली इनका प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इनका जो मेन फंक्शनिंग है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें जो है लिम्फ नोड में देखने को मिल सकता है। तो लेट्स क्रिएट वन लिम्फ नोड, हम यहाँ पे जो है एक लिम्फ नोड बना देते हैं। होता ये है कि इनका जो इनकाउंटर है, मतलब कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर आएगा उनका इनकाउंटर ये लिम्फ नोड में ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को पहले यहाँ पर बना देते हैं। दिस इज अ रेड वन, मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंटीजन आया है दिस इज स्पेसिफिक फॉर द रेड वन, यानी जो रेड कलर की हमारे पास यहाँ पर बी सेल हैं, दीज ऑल आर बी सेल, ये सबके सब बी सेल्स हैं। तो लेट सपोज इसकी स्पेसिफिसिटी सिर्फ इसी के लिए है और ये यहां पर आया और बाइंड कर गया, तो अब क्या होगा, इतने सारे बी सेल में सिलेक्शन किसका हुआ, सिर्फ इस बी सेल का सिलेक्शन हुआ। अब ये जो बी सेल है वो क्या करेगा,
क्योंकि ये अकेला कैपेबल नहीं है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बी सेल अकेला काफी नहीं है इस एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसे आगे और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, जब ये डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये दो टाइप के रिस्पॉन्स के लिए सेल बनाएगा। एक टाइप जो होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा जो टाइप होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। होता यह है कि ये बी सेल आगे चल के डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में। ऑल दो यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल बनेंगे उनका नंबर थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू द मेमोरी बी सेल। तो ये बन गए प्लाज्मा बी सेल। ओके, प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, वो एंटीबॉडी का ही डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है सॉल्युबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। सॉल्युबल एंटीबॉडीज क्यों चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि ये जो एंटीजन है वो यहाँ पर अकेला नहीं है, बहुत सारे एंटीजन हैं, उन सबको बॉडी से निकालना है, जो कि अकेले ये बी सेल नहीं कर सकता है। दैट इज वाई ये क्या करता है, खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेता है प्लाज्मा सेल में, और ये प्लाज्मा सेल क्या करती है, सॉल्युबल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। दिस इज अ सॉल्युबल एंटीबॉडी। अब ये जो सॉल्युबल एंटीबॉडीज है ये क्या करेंगी, ये इन एंटीजन से बाइंड करके इनको बॉडी से रिमूव करने का काम करेंगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो स्पेसिफिसिटी इसकी होती है, यानी जो स्पेसिफिसिटी इस रिसेप्टर की है, इस बीसीआर की है, और ये बीसीआर क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन ही तो है, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है। सेम यही स्पेसिफिसिटी इन सारे सॉल्युबल एंटीबॉडी के पास भी होती है, इसीलिए हम इसे क्लोनल सिलेक्शन कहते हैं। जिसको सेलेक्ट किया गया है उसी के क्लोन्स बनाए जाते हैं। तो क्योंकि ये जो यहाँ पे बीसीआर है इसकी स्पेसिफिसिटी है इन एंटीजन के लिए, तो सेम इसी स्पेसिफिसिटी के साथ हमें यहाँ पर एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। तो सेम स्पेसिफिसिटी के साथ ये एंटीबॉडीज जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होने का काम करती हैं और ये इन एंटीजन्स का रिमूवल करती हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और टाइप में बी सेल डिफ्रेंशिएट होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी बी सेल। ठीक है, दिस इज अ मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल जो है ये फ्यूचर के लिए काम करेगा, यानी ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मदद करेगा। अगर सेम इसी एंटीजन ने इनकाउंटर किया फ्यूचर में, तो मेमोरी सेल फटाफट से जो है रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा और ये चीज वो समझ पाएगा कि इस एंटीजन ने पहले भी अटैक किया था। प्राइमरी रिस्पॉन्स होने में इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स होने में वक्त नहीं लगता है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे बॉडी के पास कोई मेमोरीज नहीं होती हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम पे, यानी सेकेंड अटैक के टाइम पे बॉडी के पास मेमोरी है, एंड दैट इज वाई बॉडी जो है जल्दी उसके लिए रिएक्ट कर पाती है। ये जो यहाँ पे प्लाज्मा सेल है इसे हम एफेक्टर सेल भी कहते हैं या एफेक्टर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ये मेमोरी सेल बना है, ये मेमोरी सेल और एफेक्टर सेल जो है ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म होते हैं बी सेल के, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनल सेलेक्शन। जिस बी सेल का सेलेक्ट हुआ है विद द स्पेसिफिक बीसीआर, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन, उसी मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन का सॉल्युबल फॉर्म सिक्रीट किया जाता है विद अ मल्टीपल क्लोन एंड मल्टीपल एक्सपेंशन, सो दैट उस एंटीजन को, ये जो एंटीजन है इसे रिमूव किया जा सके बॉडी से। बाय द वे, ये जो मैंने आपको बताया है प्रोसेस, ये प्रोसेस है फॉर अ सिंगल बी सेल, यानी अकेले बी सेल अगर एंटीजन से इनकाउंटर करता है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। व्हाट इफ अगर बी सेल अकेले इनकाउंटर ना करे, तो मान लेते हैं वन बी सेल इज देयर, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एपीसी की तरह काम कर रहा है, एंड इट इज हैविंग अ रिसेप्टर ऑन इट्स सर्फेस, एंड ऑफकोर्स दिस इज अ बी सेल। आपको पता होना चाहिए बी सेल जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं, इट दे आर वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट एपीसीज। अब मान लीजिए बी सेल ने जो है क्या किया, एंटीजन को यहाँ पर गेन करके प्रोसेस करने के बाद जो है उन्होंने एमएचसी के द्वारा उसे प्रेजेंट किया। ठीक है, एमएचसी मॉलिक्यूल के द्वारा उसे अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया, यानी प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन किया एंटीजन का। अब इसके बाद क्या होता है, ये किससे बाइंड करेंगे, ये बाइंड करेंगे टी सेल से, राइट,
यहां पे जो है टीएच सेल से बाइंड करेंगे, और टीएच सेल क्या करेगा, टीएच सेल बदले में जो है बी सेल को कंप्लीटली एक्टिवेट करने का काम करेगा। सेम यही चीज आपने टी बी सेल के इंट्रैक्शन में या टी बी सेल कोऑपरेशन में पढ़ा था, सेम वही चीज हो रही है। जब बी सेल यहां से एक्टिवेट होता है ना, तो वो समझ जाता है कि यस मुझे जो है इसी टाइप का बीसीआर चाहिए जो कि बाकी सारे एंटीजन का रिमूवल कर सके, तो वो क्या करता है अपने ही फॉर्म को जो है क्लोन करता है और क्लोनल एक्सपेंशन करवाता है। तो यहां पे जो है, यहां पर टी सेल डिपेंडेंट बी सेल का क्लोन बन रहा है, और यहां पर बी सेल जो है इंडिविजुअल तरीके से अपना क्लोन बनाएगा। तो ये था आपके क्लोनल सिलेक्शन की ओवरऑल स्टोरी कि क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। देखिए क्लोनल सिलेक्शन अलग से नहीं होता है, जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना उन्हीं प्रोसेस में क्लोनल सिलेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है इसीलिए मैंने इसको अलग से क्लियर करवाया है। वरना टीबी सेल जो हमने पढ़ा है वहां पे बी सेल का जो आगे चल के क्लोन बनेगा वो उन एंटीजन को वापस से इनकाउंटर करेगा, और उस एंटीजन को इनकाउंटर करने के लिए बी सेल के क्लोन्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो बी सेल का क्लोन होता है वो टी सेल पे डिपेंड होके होता है, क्योंकि यहाँ पर बी सेल एंड टी सेल के इंट्रैक्शन के बाद ही बी सेल फुल्ली एक्टिवेट होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो इन्फॉर्मेशन था वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑफकोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।